चार वर्षों से बड़े ही धीमी गति से चल रही उच्च एवं माध्यमिक स्थायी शिक्षक भर्ती को पदवृद्धि के साथ पूर्ण कराने के लिए इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इंदौर में दीनदयाल पार्क के सामने राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ NYU के नेतृत्व में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने के दूसरे दिन गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे समस्त अभ्यर्थियों द्वारा दीनदयाल पार्क से रैली निकालते हुए जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें स्थायी शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि के अलावा MPPSC पुलिस पटवारी असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य सभी भर्तियों को शीघ्र कराने की मांग की गई। आज बेरोजगारों की आप आवाज़ बने हैं। जो भी भर्तियां हैं PSC से लेकर शिक्षक भर्ती पटवारी एवं अन्य भर्तियां नाम मात्र की निकाली जाती हैं, वर्षों तक हमको इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद हमें सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता है, जबकि हमारे CM शिवराज जी प्रतिदिन प्रति माह 1-1 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो घोषणाएँ करते हैं और बार बार हमारे चयनित साथियों को जो कि पहले से नियुक्ति पत्र ले चुके हैं उनको शिक्षक दिवस के दिन बार बार उन्हीं को नियुक्ति पत्र देने का ढोंग करते हैं।